अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं और वो रेसिपी है शामी कबाब। जैसे कि लोगों को जो है शामी कबाब का तरीका जो है नहीं पता होता है, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि बहुत इजी होता है। लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बनाने में, पर ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम लेंगे गोश्त, और हमने गोश्त लिया तो इसके क्यूब स्लाइस लेंगे। ये अदरक है, लहसुन है, साबुत लाल मिर्चे हैं, दाल है चने की, और ये हरा मसाला है। प्याज मैंने चॉप कर ली है, बाकी मैं चॉप करूंगा बाद में। हम जो है हसबे जायका सॉल्ट लेंगे, तो आए हम, और ये मैंने जो है पानी जो है बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें सारा स्टफ जाएगा, आपको हम दिखाते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों को बताता हूँ कि शामी कबाब का तरीका कि उसमें किस तरह आपने प्रोसेस करना है। नाउ लेट्स बी स्टार्ट। हम पहले गोश्त डालेंगे क्यूब जो है, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली ही चने की दाल डालेंगे। एक बाउल जो है आप लोगों के लिए काफी है, अगर आधा किलो गोश्त है। और फिर हम डालेंगे साबुत लाल मिर्चे, और फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन, ये सब साबुत जाएगा। और हम इसके अंदर डालेंगे नमक हसबे जायका 1 टेबल स्पून, या आप लोग जितना टेस्ट खाते तो आप 2 टेबल स्पून डाल लें, मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। और ये के अब ये जो है हम इसको उबालने के लिए रख देंगे, और ये जब ये उबल जाएगा फिर हम आपको इसका आगे का प्रोसेस बताएंगे। देखें व्यूअर्स, अब ये इसकी शक्ल ऐसी आ चुकी है, ये ऐसे फॉर्म में आ चुका है। पहले मैंने जो आप लोगों को बताया था, क्योंकि देखें ये इस तरह चढ़ेगा, और फिर देखें पानी पूरा इसका सूख चुका है। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जिनके पास ग्राइंडर या सिल नहीं है पीसने के लिए, तो वो इसी तरह फटाफट मेरी तरह हाथ की मदद से इसको फटाफट ऐसे कूट ले चूल्हे पे, ये भले ये रहे, और इसको आप ऐसे करते चले जाएं, और इसको बिल्कुल आप गाढ़ा गाढ़ा इसको पीस लें ताकि ये पूरा सब कुछ पिस जाए, ठीक है ना। ये देखें ये ऐसे डोव बन चुका है, और हमने इसको बीट अच्छे से कर लिया, और ये पिस चुका है। और इसके अंदर अब हम डालने लगे हैं एग, अंडे, कम से कम 3 अंडे आपने डालने हैं। देखें जल्दी जल्दी आपने अंडे डालने हैं इसके अंदर तोड़ के ऐसे, और साथ साथ में ये हरा मसाला है, आपने ये पूरा ऐड करना है। इसमें पूरा ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है हाथों की मदद से, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। और फिर आपने इसकी जो है कबाब की टिक्किया बनानी है, शामी कबाब की जैसे टिक्किया बनती है, तो आपने टिक्किया बनानी है। इसको आप अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें। मैं जो हूँ कैसे इसके बॉल्स करके, और कैसे इसकी मैं टिक्किया बना रहा हूँ अपने हाथ की मदद से। और ये कि आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह की टिक्किया बनाई है, और टिक्किया बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अपने हाथ की मदद से बनाएं, और ऐसे बनाते जाइए, और यहाँ पर अपने एक प्लेट में रखते जाइए। और इन दी एंड मैं आपको ये बोलूँ कि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और क्लिक भी करना है। एंड और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप कमेंट्स भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखेगा। फिर माना था।